Hello friends, today we read about John Keats, the romantic poet and the youngest romantic poet. जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी जो हैं जूनियर एडेड में जो वैकेंसी निकली हुई है और जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसकी तैयारी करा रहे हैं और TGT, PGT और जो है GIC में जो लेक्चर सबकी निकली हुई है इंग्लिश की हम तैयारी करा रहे हैं। तो आप इस चैनल से आप जुड़े रहें और हम डेली एक नए हर एक पॉइंट का जीवन परिचय और उससे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उन्हें आप लर्न करते रहें और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, लर्न करते रहें और लाइक करते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। ओके, तो कम टू द पॉइंट। John Keats, the last and the youngest of the younger romantic poet, was born on 31st October 1795 at Moorfield, London, and died of conceptions in 23rd February 1821. देखिए, John Keats 1795 जन्म में और 1821 में मर गए हैं, जो complete date मैंने आपको ऊपर बता दी है। ठीक है, देखिए His books, यानी कि जो John Keats का वर्क है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्स टेल, एंडिमियन, हाइपीरियन, द फॉल ऑफ हाइपीरियन, लेमिया, द ईव ऑफ एस्टी अगेंस्ट इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, द ईव ऑफ एस्टी मार्क, ला वेल्डम, सेंस मर्सी, ये क्या है सर? वर्स टेल है। अब देखिए, ओड्स, रिलिक्स एंड सोनेट्स, टू ए नाइटिंगेल, टू अटम, ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ऑन इंडोलसेंस, टू साइक, ऑन मेलंकली, ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर, ब्राइट स्टार, स्लीप एंड पोएट्री, टू फैंसी। और देखिए, बर्ड्स ऑफ पैशन, द मरमेड, टेवर्न, रॉबिन हुड एंड इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। और देखिए, जो है John Keats ने एक ड्रामा लिखा है वो है ऑथो द ग्रेट, और एक लेटर्स है, लेटर्स टू फैनी ब्राउन एंड अदर, कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड। और देखिए, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे हम उसके बारे में। व्हाई डिड सैली कॉल Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? So because Keats could get fame as a poet only after his death. ठीक है, यानी Keats जो अपनी डेथ के बाद ही, मृत्यु के बाद ही पोएट्स की, इस कवि की फेम, प्रसिद्धि को पाया कर पाया था, क्योंकि ये बहुत ही कम जन्मे थे, यानी कि जन्मे जो थे, यानी कि इनकी जो एज थी वो बहुत ही शॉर्ट रही है। ठीक है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट एज ऑफ Keats इन ईयर्स एंड मंथ्स व्हेन डाइड? अब देखिए, ये आ गया आपका कि उनकी जो एज थी वो ईयर में और मंथ में कितनी थी, यानी कितने साल और कितने महीने जिए वो। तो 25 ईयर्स एंड 4 मंथ, जो Keats जो हैं 25 साल 4 महीने जीवित रहे। नेक्स्ट है, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, वेयर डज Keats मेक दिस ऑब्जर्वेशन? तो इन वन ऑफ हिज लेटर्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, दिस इज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ वन ऑफ हिज वर्स टेल, Which of the following tales Endymion? Sally wrote a pastoral elegy on the death of Keats. What was its tale? Adonais. Madeline is the heroine of a narrative poem by Keats. Of which of the following poems? Eve of St. Mark. He is
विद शेक्सपियर दिस इज ए रिमार्क ऑफ ए क्रिटिक अबाउट किट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स मैथ्यू अर्नोल्ड वन ऑफ किट्स ऑड एंड्स विद द लाइन फॉर एवर वे विद द लव एंड सी वी फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड्स ऑड ऑन ए ग्रीसियन अर्न The several criticism of Endymion, which is believed to have hastened the death of Keats, appeared in Quarterly Review. जो इनकी डेथ थी वो क्या कहलाती है Quarterly Review. Referring to Adonais, Shelley said, "I have dipped my pen in." consuming fire for his destroyers who were these destroyers to the editor of both quarterly review and black boots magazine how did Keats begin his career As an apprentice to an apothecary, Shelley writes in Adonais' pastoral elegy on the death of Keats, how they fled when, like Apollo from his golden bow, the Pythian of the is one arrow speed who is referring to as the Pythian of the age to Byron. In the lines quoted in question number 12, what does arrow imply? Byron's English birds and Scotch reviewers. Which poem of Keats is modeled on Milton's Paradise Lost in style and structure, Hyperion? Who said first in beauty shall be first in might, Keats? Which one of the following poems of Keats is a story of the elopement of two lovers? Lamia. Which work of Keats is based on Burton's The Antony of Melancholy? Lamia. Keats took the story of Endymion from Greek mythology. Keats' Love Redemption's Mercy is a ballad. Allah. Keats' volume of poems of 1817 was dedicated to Leigh Hunt. Keats writes in the Ode to a Nightingale, where youth grows pale, scepters thin and dies, whose death is referred to in this lines. To his brother's death by conception. Which of the following books of Keats is based on Drayton's The Man in the Moon and Fletcher's The Faithful Shepherd's Endymion? Who said what the imagination says as beautiful must be true, Keats. Hyperion presents a war between Titans and Olympians. Endymion is the story of love between the hero Endymion and Cynthia. Who is the hero of Keats'
वर्स्टेल लैमिया कोरिंथ, हु वाज लैमिया ए सरपेंट वुमैन। इजाबेला इज ए स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इजाबेला एंड लोरेंजो। इजाबेलाज लवर लोरेंजो इज ट्रीचरियसली किल्ड बाई हर ब्रदर्स। किट्स वॉज ए बॉर्न इन इंग्लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स वुड फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली ग्रीक।